नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील राठौर। मैं कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जलने के बाद हुए सफ़ेद दाग के इलाज के बारे में। कभी कभी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और वो बताते हैं कि कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले हमारा हाथ जल गया था, ये घाव तो भर गया है लेकिन ये सफ़ेद दाग हो गया है और ये नहीं जा रहा है। तो आइए समझते हैं सफ़ेद दाग होता क्यों है जलने के बाद। जब बर्न थर्ड डिग्री यानी गहरा होता है तब स्किन की सारी लेयर्स जल चुकी होती हैं और उनके साथ कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स जिन्हें हम मेलानोसाइट्स कहते हैं वो भी डैमेज हो गई होती हैं। तो इस जलने के बाद बना हुआ घाव तो भर जाता है लेकिन मेलानोसाइट्स डैमेज होने के कारण वो कलर नॉर्मल नहीं आ पाता है और दाग सफ़ेद हो जाता है। शुरुआती दौर में घाव भरने के बाद इस सफ़ेद दाग को अगले 6 से 8 महीने के लिए वेट एंड वॉच पर रखा जाता है, मतलब कुछ नहीं किया जाता है, जस्ट ऑब्जर्व किया जाता है कि उसमें क्या कलर चेंजेस हो रहे हैं। कई बार दाग का काफ़ी हिस्सा नॉर्मल हो जाता है और कुछ हिस्सा रह जाता है। जो हिस्सा 6 से 8 महीने बाद रह जाता है उसके अपने आप ठीक होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। तो इन सफ़ेद दाग को हटाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है। जलने के बाद हुए सफ़ेद दाग को हटाने के लिए स्किन ग्राफ्टिंग की जाती है। इस सर्जरी में सफ़ेद दाग के ऊपरी लेयर को शेव कर दिया जाता है। शेव करने के बाद एक फ्रेश घाव बना दिया जाता है और फिर जांघ के पीछे से एक पतली स्किन निकाली जाती है और इस स्किन को उस घाव पर लगा दिया जाता है और लगाने के बाद उसको टाँकों से फिक्स कर दिया जाता है। पहली ड्रेसिंग 4th दिन की जाती है। उसमें आप देख सकते हैं कि स्किन लग चुकी है, आपके स्किन का कलर परिवर्तित हो चुका है। पूरी तरह से घाव को भरने में 10 दिन लगता है। जांघ वाला घाव 2 से 3 हफ्ते में अपने आप ही भर जाता है, उसमें कोई भी एडिशनल ड्रेसिंग कराने की ज़रूरत नहीं होती है। हॉस्पिटल में 2 से 3 दिन एडमिट रखा जाता है, उसके बाद आपको भर्ती रहने की आवश्यकता नहीं होती है। अस्पताल में 2 या 3 बार ड्रेसिंग कराने के लिए आपको आना पड़ सकता है। टोटल रिकवरी में 2 से 3 हफ्ते का समय लगता है। तो ये था जलने के बाद हुए सफ़ेद दाग के ट्रीटमेंट के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और कोई नई मेडिकल इन्फॉर्मेशन के साथ हम नए वीडियो में आपको मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार।